माय नेम इज सुधा धर्मिष्ठा। आपने अब तक हिंदी विषय के अंदर वर्णमाला के अंदर देखा स्वर और व्यंजन, उसके बाद आपने शब्दों की पहचान की, शब्द को बनाए कैसे जाता है वह देखा, फिर शब्द का आपने अभ्यास भी किया। आज हम देखेंगे कि अनुलेखन यानी कि जैसा शब्द लिखा हो उसके जैसे ही अच्छे अक्षरों में लिखना। तो आज हम अब देखेंगे अनुलेखन कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने कुछ शब्द लिखे हुए हैं। अब देखो कि जो ये शब्द लिखने हैं आपको सिर्फ देखकर ही उसके हिसाब से वैसे का वैसा ही शब्द आपको नीचे लिखना है। आपकी स्वाबोधि के अंदर आपको जो लिखना है शब्द वह देखना है कि कैसे लिखा है, उसके आधार पर उसके नीचे आपको वह शब्द लिखना है। पर एक बात आपको याद रखनी होगी बच्चों कि जो ह्रस्व उ है, ह्रस्व ई है, यह नुक्ता है या मात्रा जो होती है वह आपको ध्यान में रखकर लिखना है, वरना वह गलत हो जाएगा। यहाँ पे है गुड़िया। अब देखो मैं लिखती हूँ गू डी या, यह मैंने लिखा। लेकिन अगर मैंने यह जो नुक्ता है या जो नीचे बिंदु लगाया होता है वह नुक्ता कहा जाता है, अगर मैं यहाँ पे न करूँ तो यह गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे लिखा है वैसे का वैसा मुझे लिखना है, यह बात आपको याद रखनी पड़ेगी। है पौधा, पौधा। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आप लिखते हो तो पौधा लिखते हो अगर एक मात्रा की तो भी पौधा हो जाएगा, पौधा नहीं होता ना, बोला जाता है पौधा लेकिन लिखा जाता है पौधा। फिर देखो यहाँ पे ध करना है तो ध का यहाँ पे ऐसे राउंड आता है, अगर आपने राउंड नहीं किया और ऐसे लिखा पौधा तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको बोला जाता है ग, ध के लिए यहाँ पे ऐसे राउंड में से पाएगा। ओके, फिर आता है हथौड़ा। अब यहाँ पे भी यही बात याद रखनी थी कि अगर मैंने यहाँ पे नुक्ता नहीं की तो ये बात गलत हो, ये शब्द गलत हो जाएगा। सांप। अब बच्चों बताओ ये सही है या गलत? गलत। क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर चंद्रबिंदी नहीं की। जबकि यहाँ पे क्या आता है? चंद्रबिंदी। ओके, तो साफ जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ था वैसा ही के वैसा मैंने नीचे लिखा। फिर आता है बछड़ा। बछड़े में भी ड के नीचे क्या आएगा? नुक्ता आएगा, ड जो होता है उसके नीचे नुक्ता आता है। फिर आएगा चम्मच। अब यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे म आधा है और यह म पूरा है, तो चम्मच। फिर है ऋषि। ऋषि में के पहले ह्रस्व ई आएगा। तितली, तितली। अब देखो त में ह्रस्व ई है और ल में दीर्घ ई, त में क्या है? ह्रस्व ई और ल में दीर्घ ई, तितली। फिर है कलम। कलम तो लिखना बहुत ही आसान है ना? कलम। ईश्वर। अब बताओ यह सही है या गलत?
इसलिए। तो ईश्वर ईश्वर। फिर आएगा कछुआ, समझ में आएगा कछुआ, यहाँ पे ह्रस्व उ आएगा। फिर है इमारत, अब देखो यहाँ पे यह जो ई है वह छोटा ई है लेकिन ईश्वर में बड़ा ई है। इमारत लिखते हैं तो छोटा ई आता है लेकिन ईश्वर लिखेंगे तो बड़ा ई आएगा। तो आपको अनुलेखन करते वक्त आपको यह बात देखनी पड़ेगी कि इसको कैसे लिखा जाता है, जो शब्द है उसका आपको बार बार मुहावरा करना पड़ेगा, यानी कि उसको बार बार आपको लिखना पड़ेगा, तभी आप उसको सही तरीके से लिख पाओगे। फिर से मैं एक बार बोल जाती हूँ, आप भी मेरे साथ बोलना। गुड़िया, पौधा, हथौड़ा, सांप, बछड़ा, चम्मच, ऋषि, तितली, कलम, ईश्वर, कछुआ, इमारत। तो समझ में आया बच्चों कैसे लिखते हैं अनुलेखन? ओके, तो अब दूसरे शब्द भी हम देखते हैं। तो स्टूडेंट अब देखते हैं बाकी के शब्द। अब देखो यहाँ पे पहला शब्द है तुलसी, तुलसी। तो तु में ह्रस्व उ है यानी कि छोटा उ, लेकिन स में बड़ी ई है। यह बात आपको याद रखकर और देखकर ही लिखनी है। कक्षा, कक्षा में क्या होगा? क्ष आएगा। समझ में आई बात आपको? कक्षा में क्ष आएगा, ल नहीं लिखना। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्ष और न दोनों को एक ही समझते हैं, यह न है और यह क्ष है। अगर यह क्ष करना है तो ऐसे एक बना के ही करना है और न करना है तो इसको ऐसे करके फिर आप ऐसे कर सकते हो, या फिर ऐसे कई स्टूडेंट करते हैं, लेकिन इससे अच्छा है कि आप ऐसे ई बनाकर करो, ठीक है? तो यहाँ कक्षा क्ष लिखना है। फिर है अवसर, औ के ऊपर दो मात्रा आएगी, फिर आएगा ष षटकोण का स और ध। अवसर में ष षटकोण का ष आता है और फिर ध। चींटी, अब देखो यह सही या गलत? गलत होगा क्योंकि मैंने चके पर बिंदी लगाई नहीं है। चींटी बोलते हैं तो चींटी ग बोला जाता है चके बाद, तो यहाँ पे चके ऊपर क्या आएगा? बिंदी। यह है चांद, चांद चांद बोला लेकिन यहाँ पे चंद्र बिंदी है, सिर्फ बिंदी नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या बनानी होगी? चंद्र बिंदी, ठीक है? फिर है लड़का, लड़का ड के नीचे नुक्ता आएगा। फिर शब्द है बगुला, फिर है कोयल। देखो यहाँ पे य बनना है, कोयल। अगर आपने ऐसे सीधा पंख सीधो राखी हो सिर्फ पाखियो तो ऐसे कैसे प, लेकिन अगर पाखियो आगे पेट का नवाणु एने कहवाय य, बराबर है? पर पेट आगे नहीं लिया ले य बनी जाए, અને આ સીધું હોય તો આ પાંખિયું તો શું કહેવાય? પ, સમજ માં આવી વાત? એટલે જ્યારે તમે લખો છો તો આ ય આવી રીતે કરવાનું, આગળથી વળાંક લઈ પછી ય બનાવવાનું, કોયર લ, નહીં તો પછી કોપલ થઈ જશે, અજગર,
अ ज घ र। शब्द को आप बोलकर लिखोगे तो आपको सही मायने में पता चलेगा कि शब्द कैसे लिखे जाते हैं। दरवाजा, द र वा ज। फिर है खुशबू, अब देखो यहाँ पे ख में ह्रस्व उ यानी कि छोटा उ है, लेकिन ब में बड़ा उ है दीर्घ उ, और सब के सब सब बोला जाता है उच्चारण में आधा, लेकिन लिखते हैं तो वह पूरा होता है। खुशबू स आधा ही बोलते हैं लेकिन लिखने पर वह पूरा होता है खुशबू। फिर आता है बालक, देखो बच्चों चलो देखते हैं हम फिर से। तुलसी, कक्षा, औषध, चिंटी, चांद, लड़का, बगुला, कोयल, अजगर, दरवाजा, खुशबू, बालक। समझ में आई बात? जब भी आप अनुलेखन करो तो अक्षर बहुत ही अच्छे होने चाहिए। दूसरी बात को आपको जो मात्राएं होती हैं वो ध्यान में रखकर लिखनी है कि कहाँ पे छोटी मात्रा होगी कहाँ पे बड़ी मात्रा होगी। यह ध्यान रखकर लिखेंगे तो आपके जो शब्द है वह सही होंगे, वो कभी गलत होंगे नहीं। थैंक यू।